हेलो दोस्तों, माइंड डिस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। ओप्पो के फ़ोन में दोस्तों लॉक लग गया है, परेशान हैं आप? आपको चाहिए कि ऑनलाइन आप घर बैठे अपने ओप्पो के स्मार्टफोन में, चाहे वो कोई सा भी मॉडल हो, A78 हो, A75 हो, A98 हो, A50 सीरीज का हो, A57 हो, A57S हो या A53S हो, कोई भी ओप्पो का फ़ोन अगर आपके पास है, चाहे वो रेनो सीरीज का ही क्यों ना हो, रेनो सीरीज के बहुत सारे फ़ोन आते हैं, तो अगर आपके पास ऐसा फ़ोन है, फ़ोन में लॉक लग गया है, सिम कार्ड को भी आपने निकाल दिया, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे नो सिम लिखा हुआ है, इमरजेंसी कॉल ओनली, यानी कि आपने सिम कार्ड को निकाल के यूज़ कर लिया है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका पिन पासवर्ड पैटर्न इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर करेक्ट भी आप डालोगे, मान के चलो कि आपने डाला है 1 2 3 4 5 6, तो वो काम नहीं करेगा, इसी तरीके से इनकरेक्ट बताएगा क्योंकि आपने सिम कार्ड को निकाल दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे हम अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करेंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले नीचे में आपको इमरजेंसी कॉल या फिर इमरजेंसी SOS आपको ढूंढना है, ठीक है? जैसे आप इमरजेंसी कॉल या फिर इमरजेंसी SOS ढूंढेंगे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। आपको उस मैसेज के नीचे डायलर पैड का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा या फिर ऑटोमेटिक डायलर पैड खुल जाएगा। अब सेम इसी तरीके के डायलर पैड के ऑप्शन में आपको जाके करना है कि बस *#899 और है जिस तरीके से डायल कर देना है। जैसे ये डायल करेंगे, आपके सामने कुछ पेज ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है कि इस पेज में मैनुअल टेस्ट ढूंढना है और वहाँ जाके डिवाइस डिबगिंग पे चले जाइएगा और सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जायरोस्कोप का। जायरोस्कोप वाले ऑप्शन को क्लिक करके उसके ग्राफ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ग्राफ पे क्लिक करेंगे, तो आपको इस तरीके से ग्राफ चलता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, ये ग्राफ यहाँ पे रेडी हो रहा है और ये आपके फ़ोन को अनलॉक करने में मदद करेगा। इसको बैक कर दीजिए। अब यहाँ पे जायरोस्कोप का सेंसर सेल्फ टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए, और ये फेल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पास भी हो जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर ये फेल होने का चांस ज़्यादा रहेगा, तो इसको फेल होने दीजिए। अब आप बैक कर लीजिएगा इस तरीके से। ये देखिए, ये ऑप्शन हमने बैक किया। आप नीचे से भी बैक वाला ऑप्शन कर सकते हैं। सबसे लास्ट में अदर्स का ऑप्शन है, इसको क्लिक कीजिएगा और डायरेक्टली रीड राइट पे क्लिक कर दीजिएगा। रीड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा नीचे में, जो कि रीसेट है, रीडिंग रीसेट कंप्लीट इनकरेक्ट, इसको क्लिक करेंगे और ये पास होना चाहिए तभी ये आपका काम करेगा, वरना दोस्तों ये काम नहीं करेगा। तो देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन पास है, इट मीन्स कि हमारा फ़ोन अनलॉक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। बैक करेंगे, बैक करते साथ रीड राइट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में समझिए, क्लिक करने के बाद ओके गलती से भी मत दबाइएगा, फर्स्ट टाइम आपको कैंसिल करना है। ये देखिए, हमने कैंसिल किया और की स्टेटस पे क्लिक किया। की स्टेटस जब पास हो जाए, तो यहाँ पे बैक करके सेकेंड टाइम इसको क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ये रॉन्ग पासवर्ड आपको दिखे, आपको बीच से इसे स्वैप अप करना है या बीच वाले बटन को दबा देना है, तो आपका फ़ोन जो है ओप्पो का ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा, वो भी विदाउट डेटा लॉस के साथ।